हम लोग अभी जा रहे हैं स्कूल का यूनिफॉर्म लेने मम्मी के साथ, और अभी तक बुक्स नहीं मिली है, है ना मम्मी? इसने व्लॉग शुरू नहीं किया, इसने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। कुछ भी बोलती, मैंने किया शुरू। गुड आफ्टरनून व्लॉग, ये बोल रही थी मुझे बहुत देर से तो स्टार्ट करना। मैंने कहा ठीक है कर ले, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने का भी एक तरीका होता है। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हम लोग जा रहे हैं इसकी यूनिफॉर्म लेने। बड़े लोग हाँ, बड़े लोग है, सुबह से चढ़ा रहे हैं। एक्चुअली न्यूज़पेपर में मेरी पिक्चर्स आई हैं, तो न्यूज़पेपर में मेरी पिक्चर्स आ गई हैं, 3-4 न्यूज़पेपर में आई हैं। हाँ, सबसे चिढ़ा रही हैं। तो मैं जा रही हूँ नोनी की यूनिफॉर्म लेने। व्लॉगिंग करने नहीं देंगी मुझे, नोनी की यूनिफॉर्म लेने जा रही हूँ, जा रहे हैं। और मैं गाड़ी लेके नहीं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी बस से, ऑटो से करेंगे, ऑटो से या फिर बस से, ये दोनों से चलूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको पैदल चलवाना है। देख लो दोनों जैसी मस्ती खो रहे हैं एकदम, कसम से। चलो चलिए जी, मिलते हैं, लगा के देख लो। पहुंच गए हम लोग यूनिफॉर्म की शॉप पे, यहाँ पर सारी यूनिफॉर्म्स मिलती हैं यहाँ पर, और बच्चों के दोनों स्कूल, इवन तीनों स्कूल, जो पहले स्कूल थे उसकी भी यूनिफॉर्म यहीं पर मिलती है। तो नोनी देख रही है अभी। हाँ ठीक है, नोनी का यूनिफॉर्म अब निकल रहे हैं यहाँ से। नोनी को एक लस्सी पिला देती हूँ, जो कि मैंने लास्ट टाइम पी थी यहाँ से, मैंने इसको बोला था कि मैं पिलाऊंगी, तो चलो लस्सी पी के आते हैं। हाँ बहुत महंगा किए बताओ, मतलब नहीं साइज, मतलब क्या हुआ, मतलब तुम बच्चों के हिसाब, मतलब यूनिफॉर्म लेनी है तुमको तो तुम बच्चे के साइज के, अब मान ले 9th स्टैंडर्ड में वो तेरे, वो कौन है फ्रेंड, राजवी हो? हाँ। तो फिर राजवी का तो भैया आधा यूनिफॉर्म लगेगा इसमें से। हाँ। मलाई डाल देना अच्छे। हाँ। से ना, 2-3 चम्मच डालना मलाई, कम मत डालना। कितना खाली था वो, तो बिल्ली 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 पकड़ना नहीं है, पकड़ ली तूने, उसकी मम्मा आ जाएगी अभी। चला दे भी लस्सी, होए आओ देखो इसको। नहीं बिल्कुल नहीं, काट लेगी नोनी छोटी सी एकदम। चल ये मम्मी ने पता नहीं ये लाया है किस खुशी में लाया है, क्या आपको कोई आइडिया है भैया? बोल ही नहीं पा रहे वो, और टीवी मेरा चलेगा। मम्मा किस खुशी में लाई ये तो बताओ, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और भैया इधर खा भी गए क्या? अरे बाप रे, तो खा भी गए, स्माइल कर दो थोड़ा, धनिया मुंह के ऊपर, गुड 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 जॉब। ओ माय गॉड, भैया इज ईटिंग। तो अब हम आपको मिलते हैं इसको खाने के बाद। ये बाय द वे इसको क्या है, चाइनीज फ्राइड राइस ना, शेजवान फ्राइड राइस है। और उधर मम्मा ने अंडे के ऊपर, मतलब अरे इसको क्या बोलते हैं, प्याज और टमाटर धनिया ये सब डाल के रखा है। और अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। ओ माय गॉड, भैया ने कुछ बोला। देखो गाइस भैया खा रहे और खा भी गए, धनिया भी छोड़ेंगे नहीं, चल भाई। हाँ हम लोग बाहर से आ गए थे मार्केट से, और उसके बाद में फिर जैसे मैं आई हूँ पापा भी आ गए, और घर आते ही जोरावर सिंह ने घर में धमाल मचा हुआ था, पूरा सोफा वोफा सब खराब किया हुआ था उसने, खेल खेल के पूरे तकिए वकी इधर उधर सत्यानाश करके। तो वो फिर मैं ठीक करने में लग गई, फिर चाय वाय पी लिया हम लोगों ने, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई उस टाइम पे, मैं बिजी हो गई थी एक्चुअली। अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने सोचा चपातीस बना दी जाए फटाफट, क्योंकि उसके बाद मैं और पापा निकल रहे हैं वॉक के लिए, तो मैंने सोचा चलो फटाफट ये काम निपटा दिया जाए, ताकि घर आने के बाद में फिर आराम से मूवी देखी जाए, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे जो होता है ना हम लोगों का, वो होता है क्या कहते हैं उसको, पार्टी टाइम या वीकेंड टाइम जो होता है, तो हम लोग मूवीज देखते हैं इस टाइम पे रात को, मतलब शाम को रात को जो भी है। अभी नोनी कह रही है हॉरर मूवी देखने, मैं हॉरर बिल्कुल नहीं देखना चाहती। अच्छा न्यूज आपको जो देनी थी वो ये थी कि पिछले, पापा का दरवाजा बंद करो ना, यहाँ पे आवाज आ रही है, कि पिछले 3 महीने से मेरी
तीन पेमेंट्स, काफी बड़ी बड़ी पेमेंट जो कि फेसबुक की पेमेंट्स थी, अटकी हुई थी। ये नोनी की आवाज है। तो तीन पेमेंट जो थी मेरी फेसबुक की अटकी हुई थी, जो कि फाइनली मिल गई है। हेलो जोरो, सबको हेलो तो बोल दो। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। तो तीन पेमेंट मेरी अटकी हुई थी, वो फाइनली अभी एक न्यूज आया कि भैया आ चुकी है पेमेंट। मेरी टीम मेंबर ने एक्चुअली बताया मुझे कि पेमेंट आ गई है फ्राइडे, सॉरी आज, क्योंकि फ्राइडे है तो आज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी अकाउंट में, लेकिन आ चुकी है। रेमिटेंस जो जिसको बोलते हैं फॉरेन की जो पेमेंट होती है, आ चुकी है। मैं कहा फाइनली भगवान का शुक्र है कि पेमेंट आ गई भैया तीन महीने से, और वो भी ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी पेमेंट, अच्छी खासी पेमेंट है जो कि रुकी हुई थी। दूसरी जो न्यूज है वो ये कि न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया है। भैया ये सब चीजें ना आप लोगों की वजह से हैं। मतलब मैं बोलूं, मेरे जैसे सिंपल हाउसवाइफ को इतना कुछ आज मेरे इस एज में, जिस एज में मैं मेरी मिडिल एज में हूँ अभी, इस एज में जाके ये अचीव कर रही हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं हो सकती। और इसमें मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती, मुझे नहीं पता चलता। और शुरू में मैंने काफी हार्डवर्क किया, नो डाउट। मतलब शुरू शुरू में नहीं किया था, तब तो मैंने एज ए नोनी के कहने पे किया था, स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे 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 फिर जैसे लोग मुझे मिलते थे, जैसे मार्केट वगैरह जाती थी, कुछ कुछ लोग मिल जाते थे, ऐसा नहीं हर बार मिलते थे, कुछ सारे लोग थोड़े जानते थे, लेकिन जैसे आसपास के मिल जाते थे तो बोलते थे हमें भी बना के दे दो, जो तुम बनाती हो एक्स्ट्रा हमें दे दिया करो। तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो मांग रहे हैं, मतलब यूज का है इसका मतलब है। तो वहीं से एक इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज एक अच्छा खासा नाम हो गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो जुगाड़ बहुत बेकार जुगाड़ था ये। अरे लग जाएगा उसको, चोर तुम खोलो ना उसको। हाँ खोल खोल खोल। ये क्या है सोरू? जोरू क्या है? खोल, तो इसको कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। खोलो क्या है ये क्या है? कौन सा है? गिफ्ट है? अरे रुक रुक रुक। डेंटास्टिक डेली ओरल केयर। ओके चुप हो जा, चुप चुप। अरे रुको बाबा। हाँ चलिए, ये तो इसका वो है, बिल है वो कुछ नहीं। ये देखो, अरे ये क्या है? देखिए देखिए कितना सुंदर सा है। जोरो जल्दी देखो, वो देखो जोरो, वो देख दीदी के हाथ में क्या है। अरे वाह, इधर इधर आ जा। कम 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 कर। दीदी का नहीं है वो पैकेट, कहाँ है वो वाला पैकेट, कहाँ है? एक बार टेस्ट करने दे उसको। हाँ अब निकाल। दूसरे फोन की प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह चल रहे हैं जो कि अभी किए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद में मुझे निकलना है। नोनी का जो हमने उस दिन परचेजिंग किया था, आपने देखा होगा व्लॉग में, उस दिन मैं शॉपिंग करके आई थी, बट मैंने शॉपिंग वाला वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल दिखाऊंगी आप लोगों को, जहाँ से हमने सूट परचेज किया था, बहुत मजा आया। और इस तरह की जो लोकल परचेजिंग होती है ना, उसमें लेडीज लोग को तो भैया बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है पर्सनली, आप बताना आपको मजा आता है कि नहीं आता। तो वो जो सूट था उसमें थोड़ा सा नोनी को इशू आ रहा था, तो वो जाके अभी मुझे आज करा के आना है। तो अगर फोन वाला काम जल्दी होगा तो हम लोग फिर मार्केट के लिए निकल जाएंगे। घर आ गए हैं नया फोन लेके। नए फोन की जो अनबॉक्सिंग है वो मैं आपको शेयर करूंगी जब मैं वीडियो को इसको एडिट करूंगी।
फिलहाल तो इस व्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं, थक गए हैं, 9 बज रहा है एक्चुअली, 9:10 हो रहा है आई थिंक। तो अब थोड़ा सा खाना पीना किया जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं खाना है, सैंडविच बना रही हूँ मैं, वड़ा लेके आ गई हूँ घर पे, पापा कह रहे हैं सिर्फ एक एक बनाना, ज्यादा नहीं बनाना क्योंकि फिर दूध पीना है, खाना ज्यादा नहीं खाना है। तो मैं ठीक ठीक है, तब तक फिर मैं व्लॉग के एंड कर देती हूँ क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। थक गए हैं, नोनी भी थक गई है, भैया भी थक गया है, अभी खैर अपने लैपटॉप के ऊपर है तो वो अब, क्योंकि कल उसकी छुट्टी है तो वो अब लैपटॉप के ऊपर रहेगा अपना, तो 10-11 जो भी अपना उसको काम करना है करेगा, हम लोग सो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अभी तक के आपके प्यार के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखिए। बाय। फ़ोन पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा। नए फोन से ये मैं आज मेरा फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ, नोनी जी यहाँ पर हैं जा रही है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक्चुअली मेरा जो फेसबुक था, अगर आप लोग मुझे पुराने से जानते हैं तो मेरा फेसबुक ना हैक हो गया था, 2 से 3 बार मेरा फेसबुक हैक हुआ है और उसको पाने के लिए मुझे बहुत सारे मेल्स करने पड़े थे, लेकिन फाइनली ये जो नया वाला फोन आया इसमें हमने फेसबुक को, मैं एक्चुअली डर रही थी, पापा कर रहे थे बट मैं अंदर से पता नहीं क्यों मुझे दुख दुख हो रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा लाइक फिर से वापस से कुछ होना जाए, लेकिन नहीं, फाइनली मेरा फेसबुक इसमें भी चलने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरे इसी फ़ोन में मुझे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं इसी फ़ोन को, एक फ़ोन को भी कैरी कर सकती हूँ अपने किसी भी काम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग का इसी तरह से प्यार बना रहे, इसी तरह से हमारी फैमिली बढ़ती रहे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।